रहवाने नहीं covers.com में मैं कवल आपके साथ अपनी पहली वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्रीम ब्लीच मार्केट वाली और उसका नैमिकल यानी कि अल्टरनेटिव क्या है। अगर हम क्रीम ब्लीच यूज़ नहीं कर रहे तो उसके बदले में हमें क्या यूज़ करना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे पीच ब्लीच क्रीम मौजूद है जो कि मुझे 10 रुपये में पड़ी हुई है। ये फ्रूट फ्री ब्लीचेज है अनवॉन्टेड हेयर एंड वाइटनिंग स्किन। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि कोई भी ब्लीच क्रीम आपका रंग गोरा नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे के बालों को जो कि काले हो चुके होंगे उनको वाइटनिंग करेगी। वो स्किन के बालों को रंगने के लिए है ना कि आपके चेहरे को रंगने के लिए है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लीच बना के दिखाऊंगी और इसका कितना मिकदार यूज करना है आपको ये बताऊंगी। आइए तो ये साशे स्टार्ट करते हैं और सॉरी ओपन करते हैं। इस साशे को ओपन करने के बाद मेरे पास इस तरह के दो साशेज मुझे रिसीव होंगे। एक इसमें जो है वो क्रीम ब्लीच मौजूद है और दूसरे में जो है अच्छा पीच क्रीम ब्लीच है। ये उन्होंने लिखा है क्रीम ब्लीच लिखा हुआ है यहाँ पे। ये इसका एक्सफोलिएटर है, आगे की साइड में लिखा है ये क्रीम है और ये एक्सफोलिएटर मौजूद है। सॉफ्ट टच जो फैमिली की ये है वहाँ पे सॉफ्ट टच की और भी काफ़ी सारे ब्लीचेज आते हैं, ये सॉफ्ट टच से बिलोंग करती है। ठीक है, आइए तो इसको ओपन करते हैं। अगर आप अपने हाथों को और पैरों को ब्लीच करना चाह रहे हैं तो आपको ये पूरा साशे लगेगा, नहीं तो तीन चौथाई आपको ये तीन हिस्सा जो है इसका ये लगेगा और एक हिस्सा एक्सफोलिएटर यानी कि पाउडर का लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सॉरी, ये मैंने इसमें ये क्रीम ब्लीच का पूरा जो है साशे स्पेंड कर दिया। ओके, अब मैं इसमें एक्सफोलिएटर डालती हूं। ये मैंने पूरा इसलिए डाला है कि मैं इनको हाथों पे ड्राई करने वाली हूँ। आइए तो इसको मैं पहले मिक्स कर लेते हैं। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों के साथ कनेक्ट हो जाऊँ और आपको जो नई नई चीज़ें हैं उनके अल्टरनेटिव्स ऐसे ही बताती हूँ जैसे आज मैं आपको क्रीम ब्लीच का अल्टरनेटिव बताती हूँ। अच्छा, इसको हमें तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें बबल्स ना आ जाए। बबल्स यानी कि ये थोड़ा फूल ना जाए, सीधी सी जबान में कहें। मेरे हाथों को मैंने बिल्कुल भी ब्लीच नहीं किया, ये ब्लीच के बगैर मेरे हाथ हैं। वैसे मैं करती हूँ लेकिन ये मैंने वीडियो बनाने के लिए कुछ वक्त से नहीं किया ताकि मेरे हाथों पे रिजल्ट शो हो। ओके जी, ये मैंने इसको बना दिया है। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ूंगी अच्छे तरीके से मिक्स करके। अच्छा, क्रीम ब्लीच का नैमल बदल क्या है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। क्रीम ब्लीच का जो नैमल बदल है वो है नींबू। सिर्फ अकेला नींबू नहीं, उसके साथ मुझे चाहिए बेकिंग सोडा। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का। ये इसमें 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला। अब इसमें मैं नींबू डालूंगी। जैसे मैं इसमें नींबू डालूंगी आप देख रहे हैं इसमें किस तरह से बबल आ जाएंगे। आधा नींबू पूरा निचोड़ के डाल। ओके जी, अब मैं इसको मिक्स करूंगी। ये देखें इसमें किस तरह से बबल आ गई। ये नेचुरल ब्लीच है, आप इसको अपने चेहरे पे यूज कर सकते हैं। चेहरे का कलर जो है इससे लाइटिंग होगा और जो है इस ब्लीच से बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, आपकी स्किन ख़राब होगी, आपको स्किन कैंसर होने का भी खतरा है। लेकिन अगर आपकी सुई फिर भी इसी पे अटकी हुई है कि हमें इस ब्लीच से ही अपना जो है कलर वो साफ़ करना है तो प्लीज़ आपको इसको 45 डेज में जो है ना यूज़ करना है वंस। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका 45 डेज के अंदर अच्छा सा कलर आ जाए तो यूज़ दिस, दीज आर नेचुरल थिंग्स। ठीक है, जैसे कि इसमें नींबू है वो भी नेचुरल है और इसमें जो है वो बेकिंग सोडा है, उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसको अपने हाथों पे ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं ब्लीच को लगाती हूँ अपने हाथों में। 15 मिनट के लिए हमें इसको छोड़ना है। ये देखिए इसका पैटर्न थोड़ा थिक है,
क्योंकि इसमें मैंने कोई और चीज नहीं मिलाई। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी मैं एक रिव्यू दूंगी और उसका भी जो है मैं आपको बताऊंगी कि उसका अल्टरनेटिव क्या है, लेकिन सबसे पहले हम ब्लीच पे कर लें। तो अपने हाथों को बिल्कुल ढक दें, अगर आपको करना ही है तो नहीं करना तो फिर आप जो है वो बेकिंग सोडा और दूसरे हाथ पे मैं ये नींबू और बेकिंग सोडा का पैटर्न लगाना। ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, ये थोड़ा ठीक होगा। अब मैंने इसमें ये बेकिंग सोडा और मैंने फ्लैश पे ऑफ कर दिया है। ओके, यह पैटर्न में तकरीबन 15 मिनट तक अब जो है ये नींबू था मेरे पास जो मैंने रखा हुआ था, इसको मैं इसमें जोड़ दूंगी। देखिए बबल्स आ गए, ये नेचुरल वे है आपका ब्लीच करने का। इस तरह से आपके हाथ बहुत ज्यादा साफ होते हैं। उसको मैंने छोड़ा हुआ, इसको कुछ भी नहीं किया इसको पर, क्योंकि इस तरह से रगड़ रगड़ के कलर आ जाता है और एक हफ्ते के अंदर तो इतना खूबसूरत और प्यारा कलर आएगा नेचुरल, आप खुद हैरत में पड़ जाओगे। ओके, अब जो है 15 मिनट हो चुके हैं, ये भी खुश्क हो चुका है, ये भी खुश्क हो चुका है। मैं इसको धो के दिखाती हूँ, पहले साफ कर देती हूँ आप लोगों के सामने, उसके बाद धो के दिखाऊंगी। पहले मैं ये पीस साफ कर दूंगी, इससे आपको इंस्टेंट ग्लो मिल जाएगा। फौरी तौर पे अगर आप चाहते हो कि आपके हाथ साफ हो जाए तो आप ये यूज करना। अच्छा, मैं इसको आपको धो के दिखाता हूँ। ओके गाइस, मैं देखिए हाथ धोकर साफ करके आ चुकी हूँ। ये देखिए मेरे हाथ दोनों पे एक सा ही रिजल्ट आया। दोनों पे एक सही रिजल्ट है। इस तरफ थोड़ी सी अंधेरा है, फ्लैश की नहीं जा रही है रोशनी। ये देखिए मैंने फ्लैश ऑफ रखा हुआ है, आप ये नहीं समझिएगा कि मेरा फ्लैश ऑन है। ये देखिए ये हाथ हो जाएगी आपकी इतनी साफ सुथरे, लेकिन पहले मेरे हाथ आप देखिएगा और फिर ये देखिए ये कलर जो है हाथों का ये ज्यादा बेटर है। ये देखिए ये व्हाइटनिंग जो आई है इस पे, ये मेरी सिर्फ 2 दिन के बाद फिर से मेरा हाथ वैसे हो जाएगा। तो अगर इस्तेमाल ही करना है तो कुछ अच्छा इस्तेमाल करें, ये नेचुरल है और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो नीचे जो बेल आइकॉन है उसको भी आप जो है जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ताकि आपको मेरी वीडियोस मिल सके। और प्लीज मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।